अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग फ्रॉम शहर मदीना। अब बस हरम जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उठ गया हूँ, हल्का फुल्का नाश्ते में तो अभी कुछ नहीं था, तो ये कल का जो प्रिंगल्स का डब्बा मेरे पास रखा हुआ था ना, इसके अंदर से मैंने कुछ चिप्स जो है वो खा लिए ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। मुझे नहीं पता कि रास्ते में अभी जो है वो मैं कुछ खा सकूंगा या नहीं, इंशाल्लाह चेक जरूर करेंगे अगर कुछ मिल गया तो। और अब बस देखें, आज जो है ना ये नया शलवार कमीज हमने जो है ना पहनना है, तो इसको मैं एक बार इस्त्री कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ काम भी कर रहा था सुबह से, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो है ना हरम चलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाए। बस नया सूट इस्त्री करते हुए जो है ना हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं जला ना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े इस्त्री हो गए हैं, अब बस मैं शावर लेके आता हूं और यूं तैयार होता हूं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई तैयार हो चुका है। और शलवार कमीज कैसा लग रहा है ये भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। इस सफर पे मैं गार्मिन की घड़ी क्यों पहन के आया हूँ, अल्ट्रा क्यों नहीं पहन के आया, इसकी वजह ये है कि ये देखें इसका बैटरी टाइम, ये देख रहे हैं अभी भी बता रही है कि 9 दिन चलने वाली है। जब आप इसको फुल चार्ज कर लेना तो 21 दिन चलती है, और वैसे भी अगर आप बाहर धूप में घूमे तो ये सोलर से भी चार्ज होती रहती है। और चप्पलों का काम कल एहराम तक था, अब जो है ना हम अपने शूज पे आ गए। लॉक हो गया ना। अभी हम हरम जाने के लिए जो है ना टैक्सी करवाएंगे क्योंकि हमारा होटल है थोड़ा सा दूर। अभी सऊदी का नेशनल डे चल रहा था इसीलिए सारे बलून्स वगैरह आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें शहर मदीना की वाइब्स, और वो देखें सामने जबले अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यहीं से टैक्सी लेते हैं, आई थिंक 10 रियाल के अंदर टैक्सी मिलनी चाहिए यहाँ से हरम की। होटल इतना दूर क्यों है आप लोग ये सोचेंगे, तो अभी पीक सीजन चल रहा है जिसमें करीब के होटल वैसे तो आपको मिलते ही नहीं है, और अगर मिले तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए होते हैं। और अगर मौसम ठंडा हो तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं। ये देखें पूरा वॉकवे बना हुआ है, डायरेक्ट हरम की तरफ जा रहा है। बाय द वे ये वॉकवे नहीं है, ये साइकिलिंग का ट्रैक है। मैं कुछ जरूरी चीज होटल में भूल गया था, इसके लिए मुझे वापस वहां से वॉक करके आना पड़ा। अब मैं यहाँ से टैक्सी लेके ही जाऊंगा। हरम 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 कम 10 रियाल, ओके 10 रियाल में मिल जाती है। शुक्रान 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 क्वाइस क्वाइस जज़ाकअल्लाह। चले जी 10 रियाल में हम लोग पहुंच गए हैं मस्जिद नबी। अच्छा तो इसका मतलब कि ये जो हरम का मेन गेट है जहाँ पे ये पूरी जो है ना एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है, इसी से बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो सामने होटल आता है। वो देखें दुकानें बंद हो रही हैं, सारी जो ब्लाइंड है नीचे करें क्योंकि जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है। ये एक फ्रेम बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आना लव मदीना, आई लव मदीना। लोग यहाँ पे खड़े रह के पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई लव मदीना मतलब लव तो एक जो है ना छोटा लफ्ज है बहुत, इससे कुछ बहुत बड़ा लफ्ज होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मंजर है आप देखें। अल्लाह पाक आप सबको नसीब करे, बार बार नसीब करें यहाँ का आना, यहाँ की हाजिरियाँ। सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है, तूने फिर से बुला लिया। اللهم افتح لي باب رحمتك کیا بات ہے سبحان اللہ اتنا سکون مل رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں الحمدللہ الحمدللہ وہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ کچھ چیز مسنگ مسنگ سی ہے تو 50% کل عمرہ کرتے ہوئے کمپلیٹ ہو گئی تھی اور باقی 50% یہاں آ کے کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ अब पीते हैं जमजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह क्या मंजर है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह जबरदस्त। और ये लाहौर से आए हुए हैं भाई, कैसे हो आप? ठीक हो?
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़े ज़ोहर अदा कर ली है, अब जा रहे हैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देने के लिए। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अब से नो कैमरा, जब भी हाज़िरी देने जाएंगे कैमरा बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो सुकून लेने के लिए आए हैं वो लेने की कोशिश करते हैं और एक ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दे दी, बहुत सुकून मिला, बहुत इत्मीनान मिला। अब जो है ना करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आपके भाई का कुछ पैसे ऐसे नहीं है भाई। यहाँ पे जो है ना हर जगह पे कार्ड नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं आप फंस ही जाते हो अगर आपके पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं है। ये बिन दाऊद के सामने ही बिल्कुल यहाँ पे एक्सचेंज बना हुआ है, यहाँ से हो जाएगा अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह करेंसी एक्सचेंज करा ली है, मेरे ख्याल से आज का पूरा दिन इसमें गुजर जाएगा, हो सकता है कल के दिन का भी कुछ हिस्सा गुजर ही जाए इसमें। सिलसिला यह है कि इत्तेफाक से मेरे चाचा की फैमिली भी इस वक्त मदीने में है, तो अभी जो है ना हम लोग लंच पे जा रहे हैं, तो लिमिटेड शॉट्स आपको दिखाऊंगा मैं लंच के। ये आ गया भाई हमारा खाना, ये हलीम है और ये है चिकन कढ़ाई और ये है मटन बिरयानी। चलो भाई चिकन कढ़ाई जो है ना देखने बड़ी मज़ेदार लग रही है, चिकन कढ़ाई खाते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के मजा आ गया, VIP सेटअप हो गया। अब गाड़ी करवा के डायरेक्ट जाएंगे हरम। ये भाई की गाड़ी में आए हम। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया हरम ड्रॉप करने के लिए, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। चाचा से ये पूछते हैं कि खाना कैसा लगा? मजा आ गया ना? जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, कितनी रौनक लगी हुई है। इस वक्त असर के बाद का टाइम है, मस्जिद नबी के सहन में मैं मौजूद हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ इतनी रौनक, इतने लोगों की चहल पहल देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, मतलब अल्लाह पाक ने सबके नसीब में लिखा हुआ है। कोई 5 दिन के लिए आए, कोई 10 दिन के लिए आए, कोई जॉब यहाँ करता है, कोई रहता है यहाँ पे। क्या बात है, क्या किस्मत है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी नसीब करे। ये एक और खूबसूरत मंजर देखें, जमजम के जितने भी कूलर हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, खाली वालों को रिप्लेस कर रहे हैं भरे हुए कूलर्स के साथ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। भाई जो है वो सियालकोट से आए हुए हैं और उम्रे पे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है, फॉलो करते हैं हमें माशाल्लाह। और सफ़र कैसा गुजर रहा है? खैरियत से माशाल्लाह। भाई ये बच्चा मेरे बराबर में से गुजरते गुजरते बोलता मुस्तफा नहीं, बोलता ना करो यार, ये कैसे हो सकता है यार, ये क्यों नहीं हो सकता यार। कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से माशाल्लाह। चलो आपने दुआओं में याद रखना मुझे, ठीक है। भाई अब सीन ये है कि ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, 9:45 बज रहे हैं और 8000 कदम जो है ना आपका भाई चल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि लंच जो है ना अच्छे से हजम हो चुका है। तो अब ज़ुबैर रियाज भाई आ रहे हैं और हम जाएंगे उनके साथ डिनर पे और हरम की गलियों की रौनक आपको दिखाते दिखाते जाएंगे। रात के वक्त भी जो है ना दिन का समय है माशाल्लाह। अब इसे गली की बात की जाए ना तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मोबाइल सिम्स यहाँ पे सेल हो रही हैं, यहाँ पे मिसवाक का काउंटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जा नमाज तस्बीहें वगैरह मिल रही हैं, वहाँ पे वो कुछ खाने पीने का शावरमा वगैरह मिल रहा है, यहाँ ऊपर बिन दाऊद सुपरमार्केट और यहाँ पे भी इसी तरह जो है ना सारी ये तस्बीहें और इस तरह के जो जुब्बे शुब्बे होते हैं सब कुछ मिल रहा है। और ये भाई लगता है अपनी ड्यूटी ऑफ करके जो है ना बस साइकिल पर जा रहे हैं अपने रूम पर आराम करेंगे। और यहाँ पे आपके भाई को जो है ना दजाज कंतक ही नज़र आ गया, इसका मतलब KFC नज़र आ गया है। और इसी के साथ मुझे जो है ना KFC के मसाले वाले फ्राइज़ जो कि मैं गल्फ कंट्रीज़ के पसंद करता हूँ ना वो मुझे याद आ गए। आज रात 12:30 बजे का रियाजुल जन्ना का परमिट है मेरा, सही, तो इससे पहले पहले मैंने वापस भी आना है। ये देखें भाई लोग जो है ना खापे शापे का सीन कर रहे हैं फुल यहाँ पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मक्का मदीना में खाने पीने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉक इतनी अच्छी खासी हो जाती है आपकी कि कोई मसला ही नहीं है, सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। शायद यही गाड़ी है, यही गाड़ी है, सही गाड़ी पहचान गए भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी फॉर चैलेंज? अकीद। हाँ फिर आप बहाना तो नहीं करेंगे यार मैंने खाना देर से खाया? अरे नहीं नहीं आज कोई बहाना नहीं है, मैंने 8000 कदम चल के सब बराबर कर दिया, तो कोई टेंशन नहीं है। पहले से हिसाब करके आए इंशाल्लाह, फुल VIP सेटअप करेंगे। आज हम खाने के लिए आ गए हैं अलबैग, द वन एंड ओनली अलबैग। तैयार हैं फिर अलबैग के लिए आप? बिल्कुल तैयार हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त, आपका साथ चाहिए इंशाल्लाह भाई, इसके अंदर फुल साथ है आपको मेरा, कोई मसला नहीं। ये देखें भाई अलबैग जो है ना हाउसफुल चल रहा है बिल्कुल। मैं आप लोगों को जो है ना जूम करके कुछ दिखाता हूँ, आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, हाय 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 हाय, मुंह में बात आ रही है हमारे मुंह, हाँ हमारे मुंह में तो आ ही रहा है। ये देखें, ये देखें भाई, लाइनें लगी हुई हैं अलबैक की। जुबैर भाई ने कोई सेटिंग बिठाई है, देख रहे हैं आप लोगों को, देखें कोई बंदा जानने वाला है ना, उसने बुला लिया डायरेक्ट, कोई वीआईपी सीन हो जाएगा, हो सकता है जल्दी मिल जाए। देखें पूरे महीने का राशन ले लिया जुबैर भाई ने, सिर्फ इतना नहीं है, ये भी ये देखें। और ये हमारे भाई हैं, फॉलोअर हैं, कैसे भजन, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, जबरदस्त, थैंक यू। इस अलबैक को देख के ऐसा लग रहा है कि आपका भाई अपने पुराने लाइफस्टाइल में आज थोड़ी देर के लिए आने वाला है। ओह क्या खुशबू आ रही है आज। जुबैर भाई को ऐसा लग रहा होगा कि अलबैक के डिलीवरी बॉय बन गए हैं, पूरे मदीने में डिलीवरी करेंगे भाई। अब जो है ना जुबैर भाई के घर पे आ गए हैं, और ये देखें माशाल्लाह अलबैक ही अलबैक, जहाँ तक देखें अलबैक ही नज़र आ रहा है सिर्फ। और ये देखें यार, यहाँ पे जो है ना बैठक का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, मतलब यार इसको क्या मतलब, सऊदी स्टाइल की बैठक किस तरह होती है, अरबी स्टाइल है, ज़बरदस्त है, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, ज़बरदस्त। नहीं बैठक है बिल्कुल, यहाँ से आप टेक लगाएं आराम से, और क्या बात है, बिल्कुल अलग स्टाइल की। चलें भाई अलबैक खाते हैं। भाई वैसे तो जो है ना अलबैक हम काफी सारा ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो जुबैर भाई की वीडियो बन रही थी तो आपका भाई वीडियो बनाना भूल गया, ठीक है, लेकिन नहीं, मेरी वीडियो नहीं, आप खाने के मूड में भूल गए। अच्छा आप दबा देना बात को यहीं पे दबा दें। अभी जो है ना ये देखें हाथ में क्या आया है, स्पाइसी श्रिम्स आए हाथ में, ठीक है, इसके साथ ट्राई करने हैं। अच्छा ये क्या है इसके साथ, हुम्मस, हुम्मस है, फुल क्रिस्पी सीन है, बिस्मिल्लाह। ये बड़ी कमाल, मेरी सबसे पसंदीदा चीज अलबैक में यही, बहुत जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त अलबैक का भाई अपना ही मजा है, जब आप फ्रेश खाए ना, गरम गरम खाए ना। अच्छा ये जो है ना इनके मेन्यू के अंदर एक नई चीज ऐड हुई है, जिसके अंदर अलबैक के चिप्स हैं, इन्होंने चिप्स इंट्रोड्यूस कराए, और ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये बोनलेस होती है, तो ये भी ट्राई करते हैं, पहले तो ये चिप्स। चिप्स थोड़े से जो है ना मोटे मोटे हैं, लेकिन फुल क्रिस्पी हैं ना, इनकी बोनलेस चिकन है ये, देखिए इसको हम डालेंगे जरा कॉकटेल सॉस के अंदर, सही है, और ये चिपक ही गया बिल्कुल इसके साथ, ये आ गया भाई सीन। ये बिल्कुल जो है ना केएफसी स्टाइल की है यार, मैं जो है ना खाना खा के बिल्कुल साइड में बैठ गया हूँ, सही है, आराम से टेक लगा के, लेकिन एक चीज है ऐसी जो मुझे जो है ना बुला रही है, वो पता है कौन सी चीज है, ये देखें ये ग्लास देख रहे हैं आप, इसके अंदर मरिंडा सिट्रस है, और जो ये बुलबुले उठ रहे हैं, आए हाय हाय, चलें दो महीने गुजर गए हैं, आज पी लेते हैं यार। जुबैर भाई क्या कहते हैं, है ना, ये मरिंडा सिट्रस यार हमारी है, मजा आ गया। मेरे रियाजुल जन्ना के परमिट का टाइम हो गया है, अगले 7 मिनट में जो है ना वो मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और जुबैर भाई मुझे ड्रॉप करने आ गए भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, इस दफा तो माशाल्लाह हम इतने लकी हैं कि रोजाना जुबैर भाई टाइम दे रहे हैं, माशाल्लाह मौसम अच्छा है, हाँ जी आप अच्छे टाइम पे आए हैं, क्या बात है, हम फ्री हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ये देखें हमें कहाँ ड्रॉप किया है, बिल्कुल रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास वाले गेट पे, ठीक है जुबैर भाई, ओके चलें भाई अब पहुँचते हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं, और माशाल्लाह आप आवाम देखें कितनी है यहाँ पे, देखें सहन के अंदर पूरा सहन भरा हुआ है, ये देखें दूर दूर तक, सुभान अल्लाह। ये है भाई हमारा परमिट रियाजुल जन्ना का, ये देखें टाइम स्टार्ट हो गया है, 12:30 से 1 बजे तक के दरमियान हम अंदर रह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल गई है, और अब बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा, और जैसे ही फिर अंदर वाले लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के अंदर इबादत करने का मौका भी मिल गया, इसके बाद पूरी रात मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुकून से गुजारी है, और अभी जस्ट फजर की नमाज पढ़ के मैं अपने होटल वापस आ गया हूँ। कल सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, और आज अगले दिन की सुबह हो चुकी है, तो तकरीबन पूरा दिन गुजर गया। आप लोगों ने ये व्लॉग देखा होगा, आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत सुकून मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, कल के व्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं कल से जाग रहा हूँ, तो अभी जाके मैं बस थोड़ी सी नींद करूँगा, आराम करूँगा, फिर मिलते हैं, अस्सलामुअलैकुम।